और अगर वो वहां पहुंच सकता है तो यहां भी आ सकता है। नहीं, मैं इस तरह डर डर के नहीं जी सकती। ये घर, यहाँ के लोग मेरे अपने नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के मुझे यहाँ पर सर छुपाने की जगह दी, इतने प्यार से रखा। मैं इनके लिए परेशानी का कारण नहीं बनना चाहती। सुनंदा जी बिल्कुल ममता की मूर्ति है। अंकिता, वो तो सगी बहन से भी बढ़कर, और उसके बाबा इतने बड़े आदमी, पर जरा कमल उनकी आंखों में नहीं दिखता। सब कितने अच्छे। नहीं, मैं अपनी बदकिस्मती का साया इस परिवार के ऊपर नहीं पड़ने दे सकता। मुझे यहां से जाना है। हमारे ग्रुप में कोई वर्कर है तो कोई लेबरर है, और हम लोग कभी सपने भी नहीं सोचे थे कि ओडिशा से हमारा फ्रेंच डांस ग्रुप बन जाएगा इंडिया का सबसे बड़ा टैलेंट। अगर आप इंडिया का आज तो नाश्ता बहुत बढ़िया बना है लग रहा है। मैं तो हमेशा भी कहता हूँ सुनंदा के हाथों में जादू है, जादू। आप ओहो, मैं तो डाइट से हूँ। अरे अमोली, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जब से हम मंदिर से आए हैं देख रहे हैं कि तुम कुछ खोई खोई सी हो। शायद मंदिर में कहीं कुछ देख तो नहीं लिया। मेरा मतलब है, किसी ऐसे शख्स को तो नहीं देख लिया जिसे तुम देखना ही नहीं चाहती थी। अच्छा, वहां मंदिर में उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और उसको देख के तुम इतनी परेशान हो, और उसकी वजह से तुम्हारे दिल में इतना डर पैदा हो गया है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, वो एक मामूली एक्सीडेंट था, वो इंसान जल्दी से ठीक हो जाएगा। मैं अभी आई। माँ, अमोली कितनी अच्छी है ना? हाँ, अच्छी है। मैं जानती हूँ कि अमोली इतनी अपसेट क्यों है। उसे अपनी फैमिलीज की याद आ रही होगी। अब क्या करेगी बेचारी? जिंदा रहने के लिए पेट भरना जरूरी है ना, और पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कमाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। विलेजेस में क्या काम मिलता है? इसलिए वो बेचारी अपनी फैमिलीज को छोड़ के हमारी फैमिलीज में आ गई। अंकिता, तू सही कहती है, अमोली बहुत अच्छी लड़की है। आई लाइक इट। अंकिता, अमोली है कहां से? माँ की ननी हाल से है ना? मैं अभी आई। तो छोटी माँ को अचानक क्या हो गया? तुमने तो हमें डरा ही दिया, क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। आपने कुछ ठीक से खाया नहीं तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना?